टू मेरी किचन। मैं हूं नेहा। आज हम बनाएंगे साल्टेड पॉपकॉर्न। इसके चाहिए हमें नमक। मैंने अभी 2 कप नमक लिया है। ये नॉर्मल नॉर्मल नमक है जो हम घर में यूज करते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है कुछ मकई के दाने। ये पॉपकॉर्न वाले मकई के दाने हैं, आपको इजली मिल जाएंगे मार्केट में। तो आइए से हमारा स्टार्ट करते हैं। तो हम एक ले लेंगे कढ़ाई और डाल देंगे यहाँ पे हम नमक, और इसे हम 2-3 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। नमक अब गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्न, और इसे हम लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे। जब ये हल्का हल्का फूटना स्टार्ट हो जाएगा तो इसे हम ढककर छोड़ देंगे। तो अभी ये फूट नहीं रहा है तो हमें इसे चलाना है। अब देखते हैं ये फूटना स्टार्ट हो गया है तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढककर हम छोड़ देंगे। आप सुन सकते हैं ये इसका किस तरह पॉपकॉर्न हमारा बन रहा है। अब देखते हैं पॉपकॉर्न हमारा अच्छे से बन गया है। तो इसे हम इस तरह से करके साइड में रखते जाएंगे और बाकी जो बचे हुए दाने उसे भी इस तरह से हम बना लेते हैं। तो बाकी पॉपकॉर्न को मैंने बना लिया है। आप देखते हैं ये कितना अच्छा बना है, और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये इजी टूट रहा है और कितना ही क्रिस्पी है। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, चाहे वो लोग डाइट पे हों या फिर जो वेट लूज कर रहे हों, इसे हर कोई खा सकता है। तो आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी मिली बनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ।